नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी हीलिंग फॉर लाइफ से। दोस्तों, आज हम लोग ये फोटो के माध्यम से दिल्ली के एक बच्चा है दिनेश अग्रवाल जी का जानने वाला, तो उसका हम लोग ऑरा स्कैनिंग करेंगे फोटो के माध्यम से और देखते हैं कि जो उनके अभी के चक्र हैं उसकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले जो हम चेक कर रहे हैं वो रूट चक्र है और देखते हैं कि रूट चक्र की पोजीशन क्या बताती है। यहाँ पर सबसे पहले रूट चक्र देखते हैं हम कि रूट चक्र जो है वो किस पोजीशन पे है इनका। रूट चक्र जो है वो इनका बैलेंस्ड है। इसके बाद देखते हैं हम लोग स्वस्थान चक्र, जो सेकंड नंबर का चक्र है, वो उसकी पोजीशन क्या कहती है यहां पर। सेकेंड नंबर चक्र है स्वस्थान चक्र। जो स्वस्थान चक्र है वो यहां पर ओ एक्टिव दिखा रहा है। एक बार दोबारा देखते हैं हम लोग कि स्वस्थान चक्र जो है उसकी पोजीशन इस वक्त में क्या है यहां पर। स्वस्थान चक्र जो है वो यहां पर ओवर एक्टिव है। इसके बाद देखते हैं हम लोग मणिपुर चक्र, जो कि नीचे से तीसरे नंबर का चक्र होता है, वो देखते हैं इसकी पोजीशन यहां पर क्या है। फिर चेक करते हैं मणिपुर चक्र की पोजीशन क्या है यहां पर। ये नीचे से तीसरे नंबर का चक्र होता है। मणिपुर चक्र जो है वो भी थोड़ा ओवर एक्टिव है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इनका हार्ट चक्र जो है उसकी पोजीशन इस वक्त में क्या है। ये हार्ट चक्र देखेंगे इनका हम लोग, इसकी पोजीशन क्या है यहां पर। एक बार दोबारा देखते हैं इनका हार्ट पोजीशन क्या है यहां पर। अब फिर चेक कर लेते हैं इनकी हार्ट की पोजीशन जो है, हार्ट चक्र की पोजीशन क्या है इनकी। हार्ट चक्र जो है वो इनका यहां पर ब्लॉकेज दिखाता है।
इसके बाद यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इनका थॉट चक्र, जो इनका थॉट चक्र है उसकी पोजीशन यहाँ पर क्या है, हम ये देखते हैं अभी। थॉट चक्र जो है उसकी पोजीशन ठीक है यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं हम लोग इनका थर्ड आइस, थर्ड आइस की जो पोजीशन है वो क्या है इस वक्त के अंदर। दोबारा चेक कर लेते हैं थर्ड आइस को। ठीक है, थर्ड आइस थोड़ा कम खुला हुआ है, एक्टिव है कह सकते हैं, कम खुला हुआ है। इसके बाद में देखते हैं क्राउन चक्रा, जो क्राउन चक्रा है उसकी पोजीशन क्या है इनके चक्रों में। ठीक है, क्राउन चक्र में भी एनर्जी थोड़ी सी कम है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं इनका ऑरा, जो इनका ऑरा है वो कैसा है इस वक्त में। दोबारा चेक कर लेते हैं इनका ऑरा। ऑरा जो है इनका वो बहुत कम है। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं इनके लिए कलर, कि ये कौन से कलर अपने लिए पहनने में यूज करें जो कि इनको अच्छा रहे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लू कलर, ब्लू कलर कैसा रहेगा इनके लिए। अब दोबारा चेक करते हैं ब्लू कलर को इनके लिए। ठीक है, एवरेज में है, पहन सकते हैं ब्लू कलर को। इसके बाद देखते हैं रेड कलर, जो रेड कलर है वो इस वक्त इनका किस पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, एवरेज है, पहन सकते हैं। फिर देखते हैं इनके लिए इंडिगो कलर, कि इंडिगो कलर यदि पहनते हैं तो कैसा रहेगा इनके लिए। अच्छा है, इंडिगो कलर पहन सकते हैं ये अपने लिए। फिर देखते हैं येलो कलर, येलो कलर कैसा रहेगा इनके लिए।
हैं, पहन सकते हैं। फिर देखते हैं वायलेट कलर, वायलेट कलर कैसा रहेगा इनके लिए। ठीक है, वायलेट कलर भी एवरेज में है, पहन सकते हैं ये अपना। इसके बाद देखते हैं ग्रीन कलर, ग्रीन कलर ये पहनते हैं तो कैसा रहेगा इनके लिए। ग्रीन कलर भी एवरेज है, ऐसा कोई खास कलर इनके लिए नहीं आया जिसे बहुत ज्यादा यूज करें अपने लिए तो इनको कुछ ज्यादा खास एक अच्छा इफेक्ट मिले या उससे बहुत ज्यादा इनको लाभ हो। सारे कलर जो है मोस्टली इनके लिए एक एवरेज में आए हैं। ब्लू कलर जो है वो थोड़ा सा अच्छा है तो कह सकते हैं कि ब्लू कलर इनसे बहुत ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। बाकी सारे कलर जो है वो इनके लिए एवरेज है और ये उन कलरों को अपने लिए पहन सकते हैं। कोई कलर ऐसा नहीं है जो हम ये कहें कि इनको नहीं पहनना चाहिए या इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों ये जो ऑरा स्कैनिंग है ये दिल्ली के ही हैं, दिल्ली में रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दूर रहते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो फोटो के माध्यम से बहुत ही आसानी से ये स्कैनिंग हो सकती है और सभी चक्रों की इसमें स्टडी जो है वो की जाती है। उसके बाद में जिस चक्र के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है उसको हीलिंग के जरिए ठीक किया जाता है, उस चक्र को बैलेंस किया जाता है। उस चक्र के बैलेंस होने से जो परेशानी उस चक्र के अनबैलेंस ओवर एक्टिव होने के कारण हुई है वो परेशानी ठीक होने लगती है। और जैसे कि कोई प्रॉब्लम एकदम से नहीं होती है वैसे ही प्रॉब्लम ठीक भी एकदम से नहीं होती है, बट एकदम से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और हीलिंग के बहुत तरीके हैं, जैसे मैं पहले भी कई वीडियो बता चुका हूँ, हीलिंग अनेक प्रकार से की जाती है। रेकी हीलिंग की जाती है, साउंड हीलिंग की जाती है, कलर हीलिंग की जाती है, क्रिस्टल हीलिंग की जाती है। डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के लिए कैसी हीलिंग की जाए वो उसके लिए की जाती है। दोस्तों ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप ऑरा स्कैनिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना फोटो भेज सकते हैं और अपनी ऑरा स्कैनिंग करा सकते हैं। और कोई भी अगर चक्र आपका ओवर एक्टिव या अनबैलेंस होता है तो उसको बड़ी ही सरलता से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था जो आप लोगों के लिए बनाया, अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि और जो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।